अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ क्विक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनने वाली है। सुबह सुबह आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, उन नट्स को मैं कट करके साइड पे रख दूँगी। थोड़े से मैंने आलमंड्स लिए हैं, कुछ वॉलनट्स और थोड़ी सी रेजिन्स लेके उनको कट करके साइड पर रख दूँगी। क्वान्टिटी आप नट्स की अपने मुताबिक ले सकते हैं, जितनी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ रेजिन्स को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, धो के इसको फिर आपने कट करके साइड पर रखना है। और हम चलते हैं जी रेसिपी की तरफ, रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया, बाउल में मैं यहाँ पे दो अंडे तोड़ लूँगी। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा चीज़ों की कर सकते हैं, उसी मुनासबत से रेशियो का ध्यान रखें, बाकी चीज़ें आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी एक कप दूध चला जाएगा इसमें। लो फैट मिल्क आप इसमें यूज़ करें अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं ये रेसिपी। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून चक्की का आटा डालूंगी। चक्की का आटा वेट लॉस के लिए, वैसे आप मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें आटा चला जाएगा। और सिंपल इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका एक फाइन सा बैटर बनाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको थोड़ा सा टाइम लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से, कि इसमें कोई लम्स ना रहें किसी किस्म के, और इसका हम एक फ़ाइन सा बैटर बना लेंगे। इससे हम रोटी बनाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को सुबह टाइम में रोटी चाहिए होती है, तो वो आप इस तरीके से अगर रोटी बना लेंगे तो आपके वेट लॉस में डेफ़िनेटली वो हेल्प करेगा। और नट्स आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। पैन को चढ़ा लूँगी चूल्हे पर, थोड़ा सा ऑयल इसमें डालना है। बैटर को ज़्यादा देर हमने रखना नहीं है, फ़ौरन से आप इसको बना सकते हैं। और रोटी भी मैं आपको बताऊंगी, आप छोटी बड़ी मोटी पतली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पे इस पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा बैटर ले रही हूँ, थोड़ी सी मोटी रोटी बना के आपको दिखाती हूँ। सिंपली पैन में आप इसको ऐड कर देंगे और वो खुद से अपनी शेप बना लेगी। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। और इसका पकने का आप किस तरह से आइडिया कर सकते हैं, किनारों से आप इसको देख सकते हैं और ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगी। जब बबल्स आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब एक साइड कुक हो चुकी है। और इस तरह से हम सिंपली इसको पलट देंगे और इसको जिस तरह से रोटी को आप सेकते हैं उतनी ही देर रोटी इसको सेकें, ताकि जो हमने चक्की का आटा इस्तेमाल किया है वो कच्चा ना रहे। जितना टाइम आप सिंपल रोटी सेकने में लगाते हैं उतना ही टाइम यूज़ करें इसमें। फ्लेम को मीडियम रखें और इस तरीके से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से सेकते जाएंगे ताकि आटा कच्चा ना रहे। अंडा तो पकने में टाइम नहीं लगेगा। और ये जी एक हमारा ही जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम दूसरी, ये मैंने पतली बनाई है, आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। इससे 4 रोटियां बनी थी, यहाँ पे मैं 2 आपको बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम हनी को ड्रिजल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सी आपकी रेसिपी बनने वाली है। कुछ मैंने बनाना पीस लिए हैं वो इस पे रख दूँगी। थोड़े से आमंड्स, थोड़े से वॉलनट, रेजिन, इन सब चीज़ों को हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और दोबारा से हनी, मज़ेदार सा। और इसका हम रैप बना के साइड पे रख देंगे। सिंपल, बहुत ही झटपट बन जाएगा आपका ये ब्रेकफास्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। और इसी तरीके से हम दूसरा जो मोटी रोटी बनाई थी उसका, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा बनाना रख दें और बाकी की सारी चीज़ें आप उस पर डाल दें। कुछ चीज़ें मैंने बचा ली जो कि बाकी के 2 रैप्स बनाऊंगी। मैं यहाँ पे आपको 2 बना के दिखा रही हूँ। हनी को ड्रिजल करेंगे और सिंपल इसको रैप कर देंगे। तो ये 2 मज़ेदार से आपके ब्रेकफास्ट के लिए रैप बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से बन गए। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग आपकी रेसिपी, सुबह सुबह आपकी खुशगवार हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।